हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मतलब अब क्या बताऊँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। और मेरा मूड क्यों ऑफ है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहे मेरी वीडियो में लास्ट तक। हाँ, मैं आपके साथ डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने गोभी आलू थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें मैंने गोभी आलू डाल दिए। उसके ऊपर ही टमाटर, हरी मिर्च, नमक, जैसा कि अभी आप देख रहे हो मैं डाल रही हूँ। तो साथ ही में मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, और साथ ही में रेड चिली पाउडर। ये सब कुछ मैंने तड़के में नहीं, सीधा सब कुछ मिक्स करके ऐसे डाल दिया था। ये झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया, तो मैं इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर भी साथ ही में ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो धनिया पाउडर मैंने ताज़ा ताज़ा ही पीसा था, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि गोभी में अच्छे से रच बस जाए, और इनको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, तो 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। इसने पानी अपने आप रिलीज़ कर देना गोभी ने, तो उसके बाद फिर मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया और साथ साथ मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो अभी गोभी को मैंने ढक दिया और साथ ही मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। जब तक गोभी बनेंगे अपना आटा भी इधर सेट हो जाएगा, तो गूंद के रख देंगे। और जब डिनर सबको करना ही इकट्ठे, फिर जब भी रोटी चपाती सेकेंगे। और आटा जो है आप 20-25 मिनट पहले ही बना के रख दिया करें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाता है और रोटियां भी बहुत अच्छी फूली फूली बनती हैं। तो आटा जो है कि आप देख सकते हो कि आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो आटा अपना सेट होगा, हो गया। तो अभी गोभी देख लीजिए, गोभी में मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा चला के ढक देंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँगी। मैं जस्ट फ्री होके आई हूँ, मैं डिनर वगैरह सब प्रिपेयर करके आई हूँ। डिनर में अभी टाइम है, तो मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं एक बात करना चाहती थी कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। मेरा मूड इसलिए ऑफ है कि जैसे कि बड़े यूट्यूबर हैं तो हम लोग उन तक पहुँच नहीं सकते, उनसे टेलीफोन पर भी मेरी तो खैर कभी बात नहीं हुई। देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा, जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हम लोग, कन्वे करते हैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू, एक रिगार्ड देते हैं उनको यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो उसमें कुछ लोग जिनको शायद, अगर रश्मि जी से उनको बहुत प्यार है तो वो मेरे को गालियां ना देते। मैं अभी एक मैसेज यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी, एक बदतमीज इंसान ही कह सकते हैं, अगर वो रश्मि जी को इतना प्यार करते हैं वो लोग दिल से, तो मैंने वीडियो में क्या बोला उनके बारे में, वो पहले वो चीज़ ध्यान से सुनते समझते। मैंने उसमें ये भी बोला कि रश्मि मेरे से छोटी है, लेकिन मैं उनको आप कहना मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी एक फ्रेंड जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग उनको बहुत प्यार करते होंगे, है ना। तो जो मेरी फीलिंग थी वो मैंने एक वीडियो के थ्रू मैसेज दिया, कन्वे किया उन तक। तो वैसे कमेंट के थ्रू मेरी उनसे बात होती रहती है, और रश्मि जी ने जहां तक कहा कि डिम्पल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये उनकी सोच है ना। वो कितना डाउन टू अर्थ है, वो कितनी समझदार है। तो ये जो आ जाते हैं बीच में कमेंट करने के लिए, उन्होंने अपने एक वीडियो में वार्निंग भी दी थी कि ऐसी कोई भी हरकत ना करना, हमें पता है कौन है जो ऐसे गलत गलत कमेंट करता है। एक लेडी है जो उनकी भाभी को लेके ये फालतू बातें मेरी वीडियो पे आके करके गई, और एक और है जेंट्स है वो, या फिर वो ही है, आईडी बदल बदल के आके मैसेज कर रहे हैं। उसने तो मुझे जहाँ तक गालियां भी निकाली, और ये भी बोला कि मेरा जो नेट है वो आपकी वजह से खराब हो गया, तो आंटी मुझे पैसे वापस करें। भाई तूने वीडियो देखी क्यों?
तुमने जब मेरी वीडियो पे देखा, रश्मि देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा का थंबनेल पे उनकी पिक देखी, एक तरफ मेरी पिक देखी, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि ये किसी और की वीडियो है, जहाँ वीडियो की स्टार्टिंग में पता लग जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अपने बड़ों को गालियां तो ना दो। अगर तुमने आंटी लिखा है तो इट मीन्स मैं तुमसे बड़ी हूं ना, तो शर्म आनी चाहिए। तुम लोग क्या मैसेज दे रहे हो दूसरों को, बच्चों को भी? तो इस वजह से मेरा मूड बहुत खराब था। तो मैं तो एक रिगार्ड देना चाहती थी, और रश्मि को मैं दिल से चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, तो मैं तो ऐसी वीडियो लाती रहूंगी जो जो चीजें मुझे अच्छी लगती है। इवन वो अपने बच्चों को जिस दिन नहीं दिखाती तो मैं कहती हूँ उसमें वो भी कि आज आपने गुड्डू को नहीं दिखाया, मेरी बेटी भी गुड्डू है, ये चीज उनको भी पता है। मैं उनसे आज से नहीं जुड़ी हूँ, लास्ट 1 ईयर से ही जुड़ी हूँ। उनकी वीडियो आई थी अगस्त में 2018 में, मैं तो जब से देख रही हूँ, मैं तो जब से देख रही हूँ, फर्स्ट वीडियो से देख रही हूँ मैं तो, और कमेंट भी करती हूँ कई बार, तो मैं दो दो बार वीडियोस देख लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिन्होंने मुझे ये इतने भद्दे भद्दे जो अभद्र लैंग्वेज यूज करी है उन्होंने रश्मि के लिए या मेरे लिए, तो वो कमेंट जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे, मैं जरूर लगाऊंगी ताकि आप लोग भी पढ़ सको कि ये वो चाहने वाले हैं रश्मि के, जो उनके लिए भी गलत बोलते हैं और उनके चाहने वालों के लिए भी गलत बोलते हैं। तो मुझे मेरी वीडियो में कमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ गलत लगा या कुछ गलती हुई मेरे से तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी है। जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो नई लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन उनको मिल सके।